इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह सैमसंग JTE 1200 वाले मोबाइल में किस तरह शॉर्टकट टूल बार एक्टिवेट कर सकते हैं। शॉर्टकट टूल बार क्या होता है? वो उससे ये होता है कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सारे फंक्शन आ जाते हैं जिसे आपको मेनू में जाकर देखना होता है, और आप उसे यहाँ से ही यूज़ कर सकते हैं, आपको मेनू में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखते हैं शॉर्टकट टूल बार कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो आपको इसके लिए सबसे पहले मेनू में जाना है, उसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना है, और फिर आपको डिस्प्ले में जाना है, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा शॉर्टकट टूल बार, आपको यहाँ पर जाना है, एक्टिवेट शॉर्टकट टूल बार, यस कीजिए। अभी आपको यहाँ पर 15 एम्प्टी बॉक्सेस दिखा रहे हैं, तो उसके बाद आपको ऑप्शन में जाना है और एडिट में जाना है। अब आपको जो रखना है शॉर्टकट टूल बार में वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे कॉल लॉग रखना है, कॉन्टैक्ट्स रखना है, गेम रखना है, मैसेज रखना है, और एप्लीकेशन रखना है, अलार्म्स रखना है, और सेटिंग रखना है, और उसके बाद आपको सेव कर लेना है। और अब बैक आ जाइए दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन पर ही वो सारे फंक्शन आ गए हैं जिसे हमको मेनू में जाकर देखना पड़ता था। अब आप यहाँ से ही वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप शॉर्टकट टूल बार एक्टिवेट कर सकते हैं। अब मुझे अगर यहाँ से सेटिंग में जाना है तो मैं यहाँ से ही सेटिंग में जा सकता हूँ, ये है सेटिंग, और ओके कर सकते हैं। इस तरह आप शॉर्टकट टूल बार का इस्तेमाल कर सकते हैं।